हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीओक्यू बिट में जो अपडेट आया है उसके बारे में एंड एक एरर के बारे में भी हम जानेंगे जो कई सारे बायर को काफ़ी परेशानी होती है बीओक्यू बिट क्रिएट करते समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया अपडेट आया है, इसके अनुसार इन्होंने जैम ने बेसिकली क्लेरिफाई कर दिया है। अब आप जो भी बीओक्यू बिट या कस्टम टेंडर आप क्रिएट करते हो वो कैंसिल हो सकता है उस केस में जब उस जो प्रोडक्ट आप जिस प्रोडक्ट के लिए आप टेंडर बी ओ क्यू बिट या कस्टम बिट क्रिएट कर रहे हो उस कैटेगरी की अगर अवेलेबल है जैम पर, और उसके बाद भी आप अगर बी ओ क्यू बिट या कस्टम बिट क्रिएट कर रहे हो तो वो जैम उस टेंडर को कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लेरिफाई किया हुआ है जैम ने, कंप्लाइंस रूल अकॉर्डिंग 144 के अकॉर्डिंग जीआरएफ का ये रूल 2017 का है, और ये आई थिंक ये स्ट्रिक्टली अब फॉलो करने लगेंगे। अभी तक तो आज की डेट तक तो कोई ऐसा अभी हमारे पास कोई केस नहीं आया है कि किसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जैम ने खुद ने कैंसिल किया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसा कुछ केसेस को हमको सुनने में मिल सकता है। तो इसके लिए अब ध्यान रखिए, अगर कैटेगरी अवेलेबल है जैम पर तो आप कैटेगरी बिट प्रोडक्ट टेंडर ही निकालें, ठीक है। अगर नहीं है तो ही आप बी ओ क्यू बिट या कस्टम बिट के लिए जाएं, ठीक है। अब इसको आप देखिए, जब हम बी ओ क्यू बिट पर बी ओ क्यू बेस बिट पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसा सामने पॉपअप ओपन होता है। ये जब तक हम इसको एग्री नहीं करेंगे ये हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ और अब हम उस एरर के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है बायर को बिट बी ओ क्यू बिट क्रिएट करते समय। जैसे कि आपने देखा है कि जब भी हम एक्सेल फाइल को अपलोड करते हैं और एड टू कार्ट सॉरी एड आइटम पे हम जैसे क्लिक करने जाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से एरर शो होता है। आइटम नंबर रो फोर में जो आपने कंटेन किया वो मैक्सिमम 200 करेक्टर्स का है, आपने जो मैक्सिमम को क्रॉस किया हुआ है तो आप उस जो करेक्टर को उसको आपको कम करना है। इसका ये बेसिकली ये एरर ये आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, और कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपका कंटेंट बिल्कुल बहुत ही कम होता है और फिर भी ये एरर आता है बार 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 बार, आप उसको चेंज कर देते हो फिर भी आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो जो एक्सेल शीट आपने बनाई है, जो सी एस वी फाइल बनाई है आपने, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि ये जो फाइल रहती है ये हमेशा सी एस वी के फॉर्मेट में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों के पास ये कई सारे बार मैंने ये देखा है कि कई बार के पास एक्सेल फाइल में रहता है और वो यहाँ पे अपलोड करते हैं देन वो फाइल अपलोड नहीं होती है, ये या ये एरर बताता है कि ये जो फाइल आपने अपलोड किया है ये रॉन्ग फाइल है, इसका फॉर्मेट आप चेंज करो। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, जो आपका एक्सेल फाइल का फॉर्मेट है वो सी एस वी में ही होना चाहिए। और एक चीज़ और है इसमें ध्यान रखने वाली, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है इसका साइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा MB की फाइल होती है तो भी आपको ना ये आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और जैसा मैंने बताया इस वाले एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो जो एक्सेल फाइल है उसको आपको डिलीट करना है, जो भी यहाँ पे आप सबमिट करोगे इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी फाइल सबमिट करोगे आपको उसको डिलीट करना है अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है, और देन दोबारा आपको टाइप करना है। ध्यान रखिए आपको टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करने में भी कई सारी प्रॉब्लम आती है कि कुछ कंटेंट ऐसा हो जाता है, कुछ वर्ड ऐसा हो जाता है, वर्डिंग ऐसी हो जाती है जिसे ये जैम जो एक्सेल फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके कारण भी इस तरीके का एरर आता है, ठीक है। अगर आपको आपने एक्सेल फाइल को डिलीट कर दिया है, आपने दोबारा फिल कर दिया फिर भी आ रहा है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा एनडेस्क पर लेकर, ठीक है। और आप मुझे ना कॉल मत कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ। बाकी आप अगर इसको इस तरीके से करोगे तो आई थिंक आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम लोग और जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कई सारी प्रॉब्लम
फेस कर रहे हैं जैम पर, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिसको फेस करते हैं, मैं बिल्कुल उनका सॉल्यूशन दूंगा। और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप बिल्कुल उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।